मुर्गी का सांभर बनाने के लिए आपको कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ये झटपट बना सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और जूसी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, मुर्गी का सांभर। सबसे पहले तुअर दाल को बॉईल करके रख लीजिएगा, इससे क्या आपको सांभर बनाने में बड़ा आसानी हो जाएगा। ठीक है, एक बर्तन ले लेंगे, उसमें डाल देंगे नारियल का तेल और डाल देंगे छोटी प्याज, आप चाहे तो नॉर्मल प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, और डाल देंगे ये ड्रमस्टिक यानी कि मुर्गी का, इसे भी तेल में 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लीजिए। अब इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च और टमाटर, आप चाहें तो और भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज ड्रमस्टिक यानी कि मुर्गी का सांभर बना रहे ना, इसलिए मैंने ज़्यादा मुर्गी का यूज़ किया। अब डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, मिला लेंगे। अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, अब डाल देंगे इसमें पानी, यहां मैंने 250 ml पानी डाला है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मैं बताता हूँ, जो भी डालता हूँ मैं मसाला, वो मैं अपने हिसाब से डाल रहा हूँ। आपके पास अगर आपका क्वांटिटी ज़्यादा होगा तो आप उस हिसाब से मसाला ज़्यादा कम कर सकते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पकाइए, ताकि वेजिटेबल सारा पक जाए। अब इसमें डाल देंगे मैंगो 2 पीस, ये ऑप्शनल है, मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ये इमली का पानी, और ध्यान दें कि जो मैंगो हमने डाला है इसलिए मैंने इमली का जो पानी है वो 100 ml डाला है, नहीं तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। इसलिए अगर आप मैंगो नहीं डाल रहे हैं तो इमली का पानी का थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अब इसे लगभग कम से कम इसे 5 मिनट और इसे पकाइए मीडियम आंच पर। और एक चीज़ का ध्यान देना कि जब भी इमली पानी डालते हैं आप, तो उसके बाद 5 मिनट तक इसे अच्छे से पकाइए, ताकि इसका इमली का सारा कच्चापन है ना चला जाए। ठीक है, अब यहाँ पे डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, अब देख लेंगे मुर्गी का ये ड्रमस्टिक पक गया कि नहीं, ये लगभग 70 से 80% पक चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो दाल हमने उबाल के रखा था ना शुरू में, उस दाल को अच्छे से घोट लेंगे, मिला लेंगे इस तरह से। और इसमें डाल देंगे, बहुत ही सिंपल है, आप जरूर ट्राई करिए घर पे। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, आप जरूर ट्राई करिए इसे घर पे। अब अच्छे से मिला लेंगे इसे, अब इसमें हम डाल देंगे सांभर पाउडर, इसकी भी रेसिपी मैंने शेयर किया हुआ है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और डाल देंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अब इन सभी को अच्छे से मिला लीजिए, सारा मसाला एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाना चाहिए। कलर देखिए, मसाला डालते ही इसका सांभर का कलर देखिए, खुशबू तो सॉलिड आ रहा है मुझे, आपको बता नहीं सकता मैं। अब इसमें डाल देंगे हींग, ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हींग, बस मिला लीजिए इसे, और 2 मिनट इसे और पकाइए। अब इसके लिए तड़का तैयार करेंगे, थोड़ा सा नारियल का तेल
और ऊपर से डाल दीजिए राय और उड़द दाल और बारीक कटा हुआ प्याज। इसे थोड़ा सा ब्राउन होने दीजिए, उसके बाद इसे सांभर के ऊपर डालिए थोड़ा सा कड़ी पत्ता और उसके ऊपर ये तड़का। वाह, बन गया सांभर, मुर्गी का सांभर, है ना सिंपल। देखिए अब इसे सर्व करेंगे गर्मा गर्म राइस के साथ। मेरा तो फेवरेट है ये मुर्गी का सांभर, हफ्ते में एक बार तो मैं ये बनाता हूँ। आज का मेरा लंच मुर्गी का सांभर और राइस, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये। और साथ में ये भिंडी की सब्जी, ये भी थोड़ा ले लेता हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।